गांधी से मिलने पहुंचे हैं किसान नेता। 12 सदस्यीय किसान प्रतिनिधि मंडल संसद भवन पहुंचा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यालय में बैठक और राहुल गांधी और किसान प्रतिनिधि मंडल की यह बैठक हो रही है। राहुल ने किसानों को मिलने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद किसान राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। किसान नेताओं की 12 सदस्यीय किसान प्रतिनिधि मंडल बताया जा रहा है, जो संसद भवन पहुंचा है और राहुल गांधी से किसान नेताओं की यह मुलाकात। जानकारी देने के लिए दिल्ली से सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, मीटिंग को लेकर और क्या जानकारी? राहुल गांधी से किसान नेता मिलने पहुंचे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं किसान प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं। 12 सदस्य किसान प्रतिनिधि मंडल संसद भवन पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यालय में ये मीटिंग चल रही है, अहम मीटिंग चल रही है, जिसमें अगर बात की जाए किसानों की तो किसानों के अलावा भी कुछ एमपीज वहां पर मौजूद है। अगर मूलतः बात की जाए एमपीज की, अगर हम बात करते हैं तो केसी वेणुगोपाल मौजूद है, साथ ही राजा ब्रार, सुखविंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजला, साथ ही धर्मवीर गांधी भी मौजूद है। इनके अलावा अमर सिंह और साथ ही हरियाणा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, साथ ही जयप्रकाश भी इस मीटिंग में मौजूद है। किसानों को पहले की मैं बात करूं तो आज मीटिंग होनी थी, जिसकी वजह से आज किसानों को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जा रही थी। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि किस तरीके से किसान है, इस वजह से उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है, तो हम बाहर ही उनसे मुलाकात कर लेंगे। हालांकि बाद में फिर उन्हें अंदर आने की इजाजत दी गई। तो ये मीटिंग चल रही है। करीब 12 जो किसान है जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनकी मुलाकात चल रही है। हरियाणा से आए हैं, पंजाब से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका से जो किसान की जो 12 डेलीगेशन है वो पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने। इसके अलावा 6 एमपी मौजूद है। ठीक है, और क्या लगता है अपराजिता, क्या कुछ चर्चा हो रही होगी? क्योंकि ये बड़ी बैठक जिस तरह से नजर आ रही है और किसानों की नाराजगी भी हम देखते आए हैं लगातार, तो तमाम अपनी मांगों को लेकर राहुल गांधी के साथ वो डिस्कस कर सकते हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं या यूं कहा जाए जो डिमांड सरकार से किसान कर रहे हैं उनको लेकर जरूर ये बातचीत कर सकते हैं, और क्या आगे की कोई प्लानिंग, कोई रणनीति बनाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए रणनीतियों की बात की जाए तो बिल्कुल देखिए डिफरेंट अगर किसानों की बात करते हैं तो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। अगर मूल का बात की जाए तो SKM और KMM के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके किसान यहाँ पर मौजूद है। अगर नाम की बात करते हैं तो जगजीत सिंह, लखविंदर सिंह, शंथका कुमार, अभिमन्यु, इस तरह से 12, अमरजीत सिंह, गुरमीत सिंह, इस तरह से पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल अगर मुद्दों की हम बात करते हैं तो देखिए, अगर कल की भी अगर हम बात करते हैं जिस तरीके से बजट पेश हुआ था, इसके बाद फिर MSP की गारंटी की अगर बात करते हैं, तो अगर कांग्रेस की अगर हम न्याय पर जो पत्र उनका आया था, मैनिफेस्टो की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि MSP की गारंटी दी जाएगी किसानों को। कल भी ये सवाल उठाया गया जब बजट में इसका मेंशन नहीं था, तो कल भी कांग्रेस या विपक्ष के पूरे इंडिया ब्लॉक की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसका जिक्र इस मीटिंग में हो सकता है। वही एक और काफी अहम बात हो जाती है, जिस तरीके से हालांकि हाईकोर्ट के द्वारा चीजें सामने हो चुकी है, जो बॉर्डर को क्लियर करने की बात की गई है पंजाब हरियाणा बॉर्डर को लेकर के, तो उन सब चीजों को भी हम कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि इन सब भी चीजों का जिक्र इस मीटिंग में हो सकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी नहीं कह सकते कि किन किन चीजों को लेकर के डिस्कशन हुए होंगे। हालांकि 12 किसान वहां पर मौजूद है, दो ऑर्गेनाइजेशन के SKM और साथ ही KMM के डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं। मीटिंग में 6 MPs पहले मौजूद थे, जिसमें से 2 हरियाणा की अगर बात करते हैं तो 2 मौजूद है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही जयप्रकाश। और धीरे धीरे MPs की अगर मैं बात करती हूँ तो चरणजीत सिंह चन्नी भी इन्होंने ज्वाइन किया है, साथ ही KC वेणुगोपाल ने भी ज्वाइन किया है इस मीटिंग को। तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि किसानों को लेकर के इस मीटिंग में चर्चाएं की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर सामने आता है। तो किसानों के साथ ये बड़ी मीटिंग जारी है, आप नजर बनाए रखिएगा। अपराजिता, आगे जानकारी आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो राहुल गांधी से किसान नेताओं की मुलाकात, मीटिंग जारी है, 12 सदस्यीय किसान प्रतिनिधि मंडल ये मुलाकात कर रहा है।